अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 202, मुहूर्त के दिन हादसा। जेनी उसे इतनी खुशदिली से पुकार रही थी कि एक बार को तो लैला भी चौंक सी गई, मगर ड्राइविंग सीट पर सुजोय का सपाट चेहरा देखकर लैला ने खुद को संभालते हुए कहा, हेलो जेनी, मैं घर जा रही हूँ, डोंट वरी, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। लेकिन ये सुनकर जेनी ने अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा, अरे इतना भी क्या फॉर्मल होना, चलो ना हमारे साथ ही। वो दरअसल सुजोय मुझे अपनी पसंद के रेस्टोरेंट में डिनर करवाने ले जा रहे हैं। ये सुनकर लैला ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, दैट्स गुड, वैसे मैंने तुम दोनों को एंगेजमेंट की बधाई भी नहीं दी, सो बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, और आपको भी सुजोय साहब। सुजोय को कहने के लिए उसने कॉन्फिडेंटली कुछ झुककर उसकी तरफ उसकी आंखों में देखा। जेनी उसका इतना कॉन्फिडेंट अंदाज देखकर कुछ ठिठक सी गई। उसने लैला से ऐसे इतने कूल रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। कहां उसने तो उम्मीद की थी कि ये सब सुनकर वो लैला का धुआं धुआं सा रुआ सा चेहरा देखेगी, और कहां लैला उसे बधाई दे रही थी। लैला ने थोड़ा ठहर कर कहा, ठीक है फिर तुम लोग डिनर के लिए निकलो जेनी, मैं भी कोई टैक्सी लेकर घर के लिए निकलती हूँ। उसकी बात सुनकर उतनी देर से खामोश बैठे सुजोय ने आसपास नजर दौड़ाते हुए कहा, यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है, तुम चाहो तो अगले स्टैंड तक चलो, कोई टैक्सी मिल जाए तो चली जाना। कहते हुए सुजोय का लहजा सपाट था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जिसने लैला को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये बात जेनी को कुछ चुप सी गई। ये सोचकर ही उसके तन बदन में आग सी लग गई कि सुजोय ने लैला को चलने कहा, और उसने सीधे मना करने की बजाय कुछ वक्त सोचने के लिए ले लिया। जेनी ने एकदम से वापस कार में बैठते हुए कहा, अब वो हमारे साथ जाने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है तो छोड़ दो ना। फिर उसने दरवाजा बंद करते हुए लैला से कहा, ओके लैला, हम चलते हैं, चलो सुजोय। आखिरी दो शब्द उसने सुजोय की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सुजोय उसकी बात अनसुनी करते हुए लैला से बोला, आओ कार में बैठो। लैला भी सोच में ही डूबी हुई थी कि तभी उसे एक टैक्सी नजर आई। उसने फिर से वही स्माइल देते हुए कहा, आप दोनों का शुक्रिया कि आपने लिफ्ट के लिए पूछा, मगर अब फाइनली टैक्सी आ गई है, बाय। कहकर वो वहां से टैक्सी की तरफ बढ़ गई। सुजोय ने एक गहरी सांस लेकर अपनी कार स्टार्ट की तो फिर जेनी से रहा नहीं गया। उसने कुछ चिढ़ते हुए अंदाज में कहा, जब इनकार कर रही थी तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी उससे इतनी जिद करने की। ये सुनकर सुजोय ने उसे कुछ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, शायद तुम भूल रही हो कि लैला को कार में बिठाने का ऑफर तुम्हारी तरफ से था। मैं अपनी कार लेकर आगे निकल चुका था, लेकिन तुमने मुझे जोर देकर कहा कि मैं कार रिवर्स करूं। सुजोय के मुंह से सुनते ही जेनी बिल्कुल खामोश ही हो गई, और फिर सुजोय ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी। लैला जब घर पहुंची तब मारिया ने उसे बताया, वो माया मैम ने आपके लिए कॉल किया था, आपके आते ही बात करने के लिए कहा है। तब लैला ने चेंज वगैरह करके सबसे पहला काम माया को कॉल करने का ही किया। उधर से माया ने कॉल पिक करते ही बताया, बधाई हो लैला, पंडित जी ने फिल्म की मुहूर्त के लिए कल की ही डेट दे दी है। ये सुनते ही लैला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। माया ने बाकी डिटेल्स बताते हुए कॉल रख दी, लेकिन लैला का मन अब भी जेनी की बातों और उसके बिहेवियर पर ही अटका हुआ था। कमरे में आकर उसने एकदम से लेटते हुए मारिया से कहा, मारिया मैं खाना नहीं खाऊंगी, सिर कुछ भारी भारी सा लग रहा है। उसके पास ही खड़ी मारिया ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मैं बाम लगा दूं? लेकिन लैला ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं मारिया, बस अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन मारिया ने उसकी एक नहीं सुनी और बाम लेकर सिरहाने आ गई। उसके पास बैठते हुए मारिया ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई आपको? तब लैला ने उसे टैक्सी मिलने में हुई दिक्कत के बारे में बताया। मारिया ने उसकी बात सुनकर कहा, वैसे पार्किंग में आपकी गाड़ी लगी है और आप टैक्सी के इंतजार में जहां तहां धक्के खा रही हैं। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मारिया, आज तो मुझे इस बात का खूब एहसास हो गया,
इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे जल्द से जल्द एक ड्राइवर रख ही लेना चाहिए। मारिया ने उसके सिर पर बाम लगाते हुए हाँ में हाँ मिलाई और कहा, बिल्कुल यही बात मेरे मन में भी थी, बस कोई ढंग का आदमी मिल जाए। लैला ने आंख बंद किए कहा, फिर आप ही देखिए ना, कोई ढंग का आदमी कहाँ मिलेगा। आप टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ, कई सारे लोग हैं जान पहचान के, मैं उनसे बात करके बताती हूँ आपको। फिर दोनों देर तक उसी बात पर चर्चा करते रहे। अगले दिन सारे ही लोग सुहाना की फिल्म की मुहूर्त पार्टी में जमा थे। उस दिन के बाद नरेन और सुहाना आज मिल रहे थे। सुहाना ने उसे अकेला देखकर कुछ शिकायती अंदाज में कहा, वैसे उस दिन तुम फंक्शन में ऐसे बिना बताए चले क्यों गए थे? नरेन ने कुछ लिए दिए अंदाज में उसे ताने मारते हुए कहा, अच्छा तुमने ये बात नोटिस भी कर ली? सुहाना उसका लहजा सुनकर कुछ चिढ़ सी गई और बोली, कम ऑन नरेन, इतना पोजेसिव होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं बासु की गेस्ट थी। नरेन ने सुहाना को ऐसे भड़कते हुए देखा तो बोला, तो फिर तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाने की जरूरत ही क्या थी सुहाना? मैंने तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहा था, मुझे लगा था कि हम लोग ऐसे तो कम ही मिल पाते हैं, कम से कम इसी बहाने कुछ देर साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। और फिर तुम भी तो वहां जाकर रिपोर्टर्स के बीच घिर गए थे, मैंने तो तुमसे शिकायत नहीं की। ये बात सुनते ही नरेन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तब भी श्योर हूँ कि अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं उन लोगों को कभी एंटरटेन नहीं करता, या फिर उस पूरे वक्त में तुम भी मेरे साथ होती। ये सुनकर सुहाना ने कुछ नर्म पड़ते हुए कहा, देखो नरेन, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि हम दोनों की जिंदगी अब आम नहीं रह गई है। आज से तुम भी बड़े पर्दे के हीरो हो जाओगे और तुम्हारे लिए कुछ चीजें और भी बदल जाएंगी। अब ऐसे में हमें एक दूसरे को ज्यादा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, अब हम कॉलेज के जमाने की तरह नहीं रह सकते नरेन। सुहाना को इस तरह समझाते हुए देखकर नरेन ने भी नॉर्मल लहजे में कहा, मैं मानता हूँ सुहाना, लेकिन कुछ चीजें, कुछ लोगों के लिए हमारा बर्ताव कभी नहीं बदलना चाहिए। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ से सुजॉय ने आते हुए कहा, क्या बात है, काफी देर से तुम दोनों को वॉच कर रहा हूँ, इतने सीरियस होकर क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, कोई इशू है क्या? भाई को सामने देखकर जितना सुहाना को घबराहट नहीं हुई थी, उससे कहीं ज्यादा नरेन हड़बड़ा सा गया। न जाने क्यों उसे सुजॉय को देखकर पहले दिन से ही कुछ ज्यादा ही घबराहट हुआ करती थी। उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं सर, हम बस ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे थे। अब आप आ गए हैं तो आप दोनों बातें कीजिए, मैं जरा बाकी लोगों से मिलकर आता हूँ। कहकर वो वहां से तेजी से निकल गया। उसके जाते ही सुहाना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे थैंक यू सो मच भाई आज यहाँ आने के लिए। तब सुजॉय ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी सी बहन के लिए आज इतना बड़ा दिन है, भला मैं कैसे नहीं आता? ये सुनकर सुहाना के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसने धीरे से कहा, सॉरी भाई, लेकिन मैं आपके बुलाने पर भी आपके एंगेजमेंट में नहीं आ सकी, आपको वजह अच्छे से पता है ना, मैं बस इतना चाहती थी कि आपका उतना खास दिन मेरी मौजूदगी की वजह से स्पॉइल ना हो जाए। सुजॉय ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा, अरे मैं समझता हूँ पागल, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, तू खुश रह बस। ये सुनकर सुहाना ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सेट पर एक शोर सा मच गया। अरे लैला मैम आ गई है। उस शोर पर सुजॉय की नजरें भी उस तरफ उठ गई। ऑफ व्हाइट कलर के डबल लेयर गाउन पर रेड कलर की बड़ी सी चुनरी अपने कंधे पर टिकाए वो टैक्सी से उतर रही थी और हमेशा की तरह वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुजॉय कुछ पलों तक यूं ही बिना पलक छपकाए उसे देखता रह गया। ये बात सुहाना ने भी नोट की और धीरे से वहां से चली गई। उसे अच्छे से पता था कि सुजॉय ने जेनी से एंगेजमेंट किस तरह के प्रेशर में आकर करी है, वरना दिल से तो वो अब तक लैला को ही पसंद करता है और ये बात उसे काफी दुखी भी करती थी। मुहूर्त की पूजा के बाद लैला सबसे पहले शॉट के लिए तैयार होने को ड्रेसिंग रूम में मौजूद थी। यहाँ आकर उसने सबसे पहले अपनी ड्रेस के लिए नजरें दौड़ाई, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा था। तब उसने कुछ झुंझुलाते हुए कहा, तैयार होने के लिए भेज दिया इधर, वो ड्रेस तो दिखी नहीं रही है जो ड्रेस मैं दिखा कर गया था,
कहीं कोई अता पता ही नहीं है उस ड्रेस का। वो झुंझुलाते हुए वहाँ मौजूद हैंगर स्टैंड में एक एक ड्रेस को हटाते हुए उस ड्रेस की। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तलाश करने लगी थी लेकिन उतने ड्रेस की भीड़ में उसे वो ड्रेस नजर ही नहीं आ रही थी जिसके बारे में उसे बताया गया था। उधर माया अपने सेट पर उसके केबिन के पर्पस से बने कमरे में बेचैनी से एक फाइल ढूंढ रही थी। सुजॉय भी वहीं सामने बैठा हुआ था। उफ, कहां रख दी है वो ब्लू फाइल, मिली नहीं रही है। सुजॉय ने उसे ऐसे परेशान होते हुए देखा तो पूछा, वैसे क्या था उस ब्लू फाइल में, तुम श्योर हो तुमने यहीं रखी थी? माया ने सारे ड्रॉर खंगालते हुए कहा, उस फाइल में जूनियर आर्टिस्ट के पिछले बकाया कुछ जरूरी बिल्स थे जिन्हें मुझे इस फिल्म के शुरू होने से पहले क्लियर करने हैं, लेकिन मुझे तो ये याद तक नहीं है कि मैंने वो फाइल यहाँ रखी भी है या फिर कहीं भूल आई। तब सुजॉय ने कहा, अच्छा याद करो यहाँ आने के बाद तुम कहाँ कहाँ गई हो। ये सवाल सुनकर माया सोच में पड़ गई, फिर जैसे उसे अचानक से याद आया, कार से उतरकर मैं तो सबसे पहले ड्रेसिंग रूम गई थी, फिर उसके बाद यहाँ आई और फिर सेट पर पहुंची थी। सोचते हुए उसे फौरन याद आ गया, अरे हाँ याद आया, ड्रेस चेंज करने के लिए वो फाइल मैंने ड्रेसिंग रूम की टेबल पर ही छोड़ दी थी, मैं लेकर आती हूँ फटाफट। कहते हुए वो अभी बाहर निकल ही रही थी कि तभी एक स्पॉट बॉय ने आकर कहा, सुहाना मैम आपको सेट पर बुला रही है मैम। हो अच्छा, उनको कहो कि मैं भी आई। तब सुजॉय ने उसे इतना परेशान होता हुआ देखकर उठते हुए कहा, अरे कितनी इरिटेटेड साउंड कर रही हो तुम, ऐसा करो तुम सेट पर जाओ, मैं तुम्हारी वो फाइल ड्रेसिंग रूम से लाकर तुम्हें सेट पर ही देता हूँ। माया ने एक सुकून भरी सांस लेते हुए कहा, ओ थैंक यू सो मच सुजॉय, इस फाइल को ढूंढने के चक्कर ने ना मुझे अच्छा खासा परेशान कर दिया है। कहकर वो तेजी से वहां से सेट की तरफ निकल गई। सुजॉय भी वहां से उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उधर ड्रेसिंग रूम में लैला अब भी अपनी वो ड्रेस ढूंढने में लगी थी। ड्रेसिंग रूम कॉर्नर में होने की वजह से कोई यहाँ से गुजर भी नहीं रहा था कि लैला किसी को ड्रेस के यहाँ मौजूद न होने के बारे में बता सकती। उसने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलकर एक बार फिर बाहर झांका, लेकिन वहां अब भी कोई नहीं था। वो एक बार फिर से बड़े से हैंगर के पास आ गई जहाँ पर सारे ड्रेसेस लटके हुए थे और जिसे वो तब से अब तक न जाने कितनी ही बार देख चुकी थी। एक और बार देखती हूँ इधर, न जाने वो ब्लैक ड्रेस कहाँ रखी है इन्होंने, रखी भी है कि नहीं। तभी उसकी नजर हैंगर के पीछे गिरे ब्लैक ड्रेस पर पड़ी। उसने एकदम से खुश होते हुए कहा, हो फाइनली ड्रेस मिल गई। फिर उसने उस हैंगर स्टैंड को खिसकाने की कोशिश की क्योंकि ड्रेस जिस हैंगर में टंगी थी वो वहीं नीचे में अटक सी गई थी, लेकिन वो स्टैंड इतना हेवी था कि लैला की तमाम कोशिशों के बाद भी टस से मस नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये खिसकना तो दूर, मुझसे तो हिल भी नहीं रहा है। कहते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर खुद से कहा, एक लास्ट कोशिश करके देखती हूँ। कहकर उसने पूरी ताकत लगाई और हैंगर स्टैंड को खिसकाने की कोशिश की, लेकिन स्टैंड का वजन ज्यादा होने की वजह से थान पान सी लैला से वो संभाला नहीं गया और स्टैंड लड़खड़ाते हुए गिरने को था। लैला ये देखकर एक चीख मारते हुए स्टैंड को छोड़कर पीछे की तरफ मुड़ने को ही, लेकिन तभी पहले से गिर चुके कुछ कपड़ों में उसका पैर फंसा और वो लड़खड़ाकर गिरने लगी थी। खुद को गिरने से रोकने के लिए उसने स्टैंड में टंगे कपड़ों को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन कपड़ों के साथ साथ स्टैंड भी एक बार फिर से उसके साथ साथ गिरने लगा था। आगे का सीन सोचकर लैला ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल वो लोहे का भारी भरकम हैंगर स्टैंड उसके ऊपर गिरने ही वाला था। क्या शूटिंग के मुहूर्त के दिन ही लैला के साथ होने वाला है हादसा? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।